महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकरा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां. rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी. उल्हासनगर महापालिकेत महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या काही नगरसेवकांनी बंडखोरी केली होती. यावेळी या नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या लीलाबाई आशान यांना महापौर तर RPIचे भगवान भालेराव यांना उपमहापौर म्हणून निवडून आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. या भाजप नगरसेवकांनी आशान आणि भालेराव यांना मतदान करून निवडून आणले होते. या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने कोकण आयुक्तांकडे या 9 नगरसेवकांची तक्रार केली होती. परंतु 1 वर्ष उलटूनही निकाल लागत नसल्याने भारतीय जनता पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने तात्काळ निर्णय देत कोकण आयुक्तांकडे 30 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता या बंडखोर नगरसेवकांचं पद धोक्यात येणार आहे. या जयश्री पाटील, आशा बिराडे, पंचम कलानी, शुभांगी निकम, छाया चक्रवर्ती, डिंपल ठाकूर, दीपा पंजाबी, रेखा ठाकूर आणि कविता गायकवाड यांचा समावेश आहे. याविषयी भाजप जिल्हाध्यक्ष जमनुदास पुरस्वानी यांनी मीडियासमोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काय म्हणाले ऐकूया. महापौर और उपमहापौर के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के जिन 9 नगरसेवकों ने बंडखोरी की थी महापौर के चुनाव में और उपमहापौर के चुनाव में, उसके चुनाव के बाद हमने कोकण आयुक्त के पास पिटीशन दाखिल की थी. 1.5 वर्ष बीत जाने पर भी आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोकण आयुक्त ने उसे चलाया. इसके लिए हमने हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की थी कोकण आयुक्त के विरोध में, जिसका निर्णय आ चुका है. माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कोकण आयुक्त को इंस्ट्रक्शन दिया है कि 30 नवंबर के अंदर अंदर इस केस को चला करके पूरा करना चाहिए, जिसमें जयश्री पाटिल, आशा बिराड़े, पंचम कालानी, शुभांगी निकम, छाया चक्रवर्ती, डिंपल ठाकुर, दीपा नारायण पंजाबी, कविता गायकवाड़ और रेखा ठाकुर हैं. और अभी तुरंत ही हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए कोकण आयुक्त ने 24 अगस्त का डेट निश्चित किया है केस चलाने के लिए. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोकण आयुक्त यह जल्द से जल्द पूरा करेंगे और आने वाले दीपावली तक ये 9 के 9 नगरसेवक डिस्क्वालीफाई होंगे. समिति और प्रभाग समिति के जब चुनाव थे उस वक्त भी 14 लोगों ने फिर से, जिसमें यही 9 जो पुराने नगरसेवक हैं उसमें 8 और 6 दूसरे 14 लोगों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है. उनका पिटीशन भी कोकण आयुक्त के पास हमने डाला हुआ है. मुझे विश्वास है कि हमने जो हाईकोर्ट में हम गए हैं पुराने 9 के नगरसेवकों के विरोध में, तो कोकण आयुक्त उस बात को ध्यान में रखते हुए यह 14 पिटीशन जो दाखिल की है उसको भी जल्द से जल्द चलाएंगे और वह भी निर्णय 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा. अभी जो पिटीशन दाखिल की है उसमें पुराने 9 में से 7 जने और अभी के 7 जनों में श्रीमती सरोजनी टेकचंदानी, हरेश जग्यासी, रवि बागुल, जीवन इदनानी, इंदिरा उदासी, दीप्ति नवीन दुदानी और चेनानी मैडम, ये ऐसे 7 जने नए हैं और 7 जने पुराने 9 में से ही हैं. 14 लोगों के ऊपर अभी नई पिटीशन दाखिल की है. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.